कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव के नतीजों का ऐलान हो गया और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के नए कप्तान बन चुके हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे को जहां 7,897 वोट मिले, वहीं शशि थरूर को तकरीबन 1,000 वोट मिले। इस तरह खड़गे ने करीब 8 गुना ज्यादा वोट लेकर थरूर को बहुत ही बुरी तरीके से हराया। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए दूसरे दलित नेता हो गए हैं। इससे पहले 1971 में जगजीवन राम के कांग्रेस अध्यक्ष बने थे, जो कि दलित नेता थे। खड़गे का नाता भले ही दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक से हो, मगर वह अच्छी हिंदी बोल लेते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार 9 बार विधायक रह चुके हैं। इतना ही नहीं, जब साल 2014 के चुनाव में मोदी लहर में दिग्गज नेता हार रहे थे, तब भी खड़गे ने जीत का परचम लहराया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर संसद तक भी खड़गे अपनी बात ज्यादा हिंदी में रखते हैं। 21 जुलाई 1942 को जन्मे मल्लिकार्जुन खड़गे राजनीति में आने से पहले वकालत में पेशे में थे। उनका जन्म कर्नाटक में एक गरीब परिवार में हुआ था और उन्होंने स्नातन और वकालत की पढ़ाई की है। मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से आने वाले ऐसे दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान संभाली है। इससे पहले कर्नाटक से ही एस निजलिंगप्पा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। गांधी परिवार के वफादार माने जाते हैं खड़गे, ये किसी से छुपा नहीं है। लगातार 9 बार विधायक बनने वाले 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे 50 साल से अधिक समय से राजनीति में सक्रिय हैं। उन्हें गांधी नेहरू परिवार का वफादार माना जाता है और कहा जाता है कि उन्होंने राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा भी दिया था। लगातार 9 बार विधायक बनने वाले 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे 50 साल से अधिक समय से राजनीति में सक्रिय हैं। उन्होंने गांधी नेहरू परिवार का वफादार माना जाता है और हाल ही में उन्होंने राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे महादलित समुदाय से आते हैं। अगर उनकी राजनीति की बात की जाए तो वो पहले केवल वकालत करते थे। कांग्रेस में शामिल होने से पहले खड़गे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रेरित होकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी RPI में शामिल हुए थे। छात्र संघ से उन्होंने शुरुआत की थी अपने करियर की। हालांकि खड़गे ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत एक छात्र संघ के नेता के रूप में की थी। सरकारी कॉलेज गुलबर्ग में उन्होंने छात्र संघ के महासचिव के रूप में चुना गया था। 1970 के आसपास वे वहां पे MSK मिल्स कर्मचारी संघ के कानूनी सलाहकार बने थे। वह संयुक्त मजदूर संघ के एक प्रभावशाली श्रमिक संघ नेता भी थे और मजदूरों के अधिकारों के लिए छेड़छाड़ करने वालों से के खिलाफ आंदोलन में उनका नेतृत्व भी करते थे। 1969 में वहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और गुलबर्ग सिटी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी बने। लगातार 9 बार विधायक रह चुके हैं खड़गे। इनकी जो राजनीतिक करियर बहुत ही शानदार रही है। खड़गे ने पहली बार 1972 में कर्नाटक राज्य विधानसभा चुनाव लड़ा और गुरमितल के निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की। 1976 में उन्होंने प्राथमिक शिक्षा राज्य मंत्री नियुक्त किया गया था। 1978 में वह दूसरी बार गुरमितकल निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए और ग्रामीण विकास और पंचायत राज्य मंत्री नियुक्त किए गए। 1980 में वह गुड्डू राव कैबिनेट में राज्यसभा मंत्री भी बने। 1983 में वह तीसरी बार गुरमितकल से कर्नाटक विधानसभा के लिए चुने गए। 1985 में वह चौथी बार गुरमितल से कर्नाटक विधानसभा जीते और कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष का उपनेता नियुक्त किए गए। 1989 में गुरमितकल से पांचवी बार भी जीतने में कामयाब रहे। इसी तरह जीतते जीते 2004 से खड़गे लगातार 8वीं बार विधानसभा चुनाव जीते थे। 2005 में उन्होंने कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। 2008 में वह लगातार 9वीं बार चीतापुर से विधानसभा के लिए चुने गए। खड़गे को 2008 में दूसरी बार विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया था। 2009 में खड़गे ने गुलबर्ग संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ा और अपना लगातार 10वां जीत हासिल किया। जैसे कि हमने आपको बताया, मोदी लहर में भी वो नहीं हारे थे। मोदी लहर होने के बावजूद 2014 के लोकसभा चुनाव में खड़गे ने गुलबर्गा संसदीय सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उन्होंने भाजपा के अपने निकटतम प्रतिद्वंदी 13,404 से अधिक मतों से हराया। जून में उन्होंने लोकसभा में कांग्रेस पार्टी का नेता नियुक्त किया गया। हालांकि खड़गे 2019 में ही जीत पैच हालांकि खड़गे 2019 में नहीं जीत पाए थे और भाजपा के उम्मीदवार जी माधव ने उन्हें तकरीबन 95,000 वोटों के अंतर से हराया था। इसके बाद 12 जून 2020 को खड़गे कर्नाटक से राज्यसभा के लिए चुने गए। फरवरी 2021 में खड़गे को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। उन्होंने UPA सरकार में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में श्रम एवं रोजगार, रेलवे और सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण का विभाग भी संभाला है। 7 साल की उम्र में खड़गे ने खोया था माँ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 7 साल की उम्र में अपनी माँ और परिवार के कुछ सदस्यों को खो दिया था। उन्होंने सांप्रदायिक तनाव की वजह से अपने जन्म स्थान को छोड़कर बगल के जिले कलबुर्गी, जिसे पहले गुलबर्ग कहा जाता था, वहां शिफ्ट होना पड़ा। उन्होंने पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए सिनेमा थिएटर में नौकरी भी की।
पिछले 12 चुनाव में वह 11 बार जीत चुके हैं, वहीं 3 बार मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए हैं। वो 6 भाषाओं का ज्ञान रखते हैं। खड़गे ने 13 मई 1968 को राधाबाई से शादी की और उनकी 2 बेटियां भी हैं। खड़गे का जीवन बहुत ही शानदार रहा है, राजनीतिक रूप से भी, और ऐसा कह सकते हैं कि उनका जो निजी जीवन था वो भी बहुत ही शानदार रहा है। शानदार किस कारण से रहा है, उन्होंने शुरुआत से ही संघर्ष देखा और संघर्ष देखने के बाद अब यहाँ तक पहुँचे हैं और आज उन्होंने कांग्रेस की कमान संभाली है। अब देखने वाली बात ये होगी कि खड़गे का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो कांग्रेस की तरफ कितना होता है और कांग्रेस उनको किस तरीके से इस्तेमाल करती है।